Dear friends, subscribe to our channel Sports Science and press the bell icon to watch latest videos related to sports science. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो क्रिकेट जो है उसका जो इंटरेस्टिंग एक पार्ट है जिसके बगैर जो है क्रिकेट हम स्टार्ट नहीं कर सकते. वो कौन सा पार्ट है? वो क्रिकेट विकेट्स है. ठीक है जी, विकेट से या जिन्हें हम स्टम्प्स कहते हैं उसकी मेजरमेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे. ठीक है जी, तो टॉपिक को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूं ताकि हमें जो है उसके बारे में रिमाइंडर है, देखने वालों को भी याद रहे कि विकेट्स जो है उनकी मेजरमेंट या स्टंप्स. ठीक है, तो इसके बारे में आज हम इसकी मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो है उसकी जो है हम थोड़ा सा उसका जो है स्केच बना लेते हैं ताकि आप देखने वालों को जो है उसको समझने में जो है आसानी जो हो. अच्छा जी, ये बताता चल रहा हूँ कि क्रिकेट जो है उसके अंदर जो है तीन स्टंप्स होती हैं. बेसिकली तीन स्टंप्स होती हैं क्रिकेट के अंदर और इज इक्वल टू वन विकेट, यानी कि पूरी एक विकेट बनती है तीन स्टंप्स हो. ठीक है जी, अब हमने तीन स्टंप्स जो है बना के उनके मेजरमेंट्स के बारे में आपको बताना है. सबसे पहले जो है की लेंथ हम ड्रा कर लेते हैं, ग्राफ का स्केच बना लेते हैं. ठीक है जी, ये उसकी जो है ये सेकंड होगी, ये जो है हम थर्ड ड्रा करते हैं. आप देखें जी ये जो है स्टंप्स जो है हमने ड्रा कर ली. अब इसका जो बॉटम पार्ट होता है नीचे वाला हिस्सा वो आपको पता है नोकदार होता है, नुकीला हिस्सा. ठीक है, उसको जो है वो भी आपको बताते हैं कि वो जमीन के जो है अंदर कितना जो है वो पार्ट जो है हमने उसको एंटर करना है. और आपको ये भी चीज बताता चलूं कि हमने जो है यहाँ पे डिस्कस करना है जो भी मेजरमेंट्स होंगी वो सेंटीमीटर पे होंगी. ठीक है, उसका स्केल जो है ग्रेडिंग हम सेंटीमीटर में करेंगे, तो ये आपने याद रखनी है बात. अच्छा जी, ये जो है हमारा पार्ट जो है ये वाला जो इसका नोकदार पार्ट है वे ये जो पार्ट है जमीन के अंदर होगा. तो ये जमीन के कितना अंदर होगा ये पार्ट? ये जमीन के अंदर बेसिकली 3 सेंटीमीटर तक जो ये है जमीन के अंदर जो अगर नुकीला पार्ट जो है. ठीक है जी, उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे ये जो है इसकी लेंथ क्या होती है, विकेट जो है इसकी टोटल लेंथ क्या होती है. इसकी टोटल लेंथ मीन है कि तीन विकेट हैं तो तीनों की लेंथ सेम होगी, तो वो लेंथ क्या होती है? वो 70 सेंटीमीटर होती है. ठीक है जी, ये भी बात क्लियर होगी इसकी लेंथ की. अब हम बात करेंगे क्रिकेट विकेट जो है उनकी विड्थ क्या होती है, यानी चौड़ाई कितनी होती है. तीन विकेट को हम लगा लेते हैं जमीन के अंदर, इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो इसकी चौड़ाई जो है वो होती है 22.5 यानी 22.5 सेंटीमीटर. ठीक है जी, अब जो है थोड़ा सा समझने वाली बात जो है यहाँ पे कि ये जो विकेट्स होती हैं ये होती है गोल. ठीक है जी, तो ये इनकी गोलाई क्या होगी, इनसे गोलाई जो है इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा ये भी आपको बताते हैं. बेसिकली ये देखिए ना, एक विकेट जो है उसका ये सर्कल है, यानी सर्कमफेरेंस जो है आपको मैंने पहले बताया था कि सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं. किसी भी सर्कल जो आउटर डॉट यानी आउटर सर्कल होता है बरूनी दायरा उसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं. तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, वो होता है विकेट्स का होता है 3.49 to 3.81 सेंटीमीटर. ठीक है जी, तो ये भी हमारा जो है चीज आपके क्लियर हो जानी चाहिए कि विकेट जो है उसकी जो बेसिक जो मेजरमेंट्स हैं वो मैंने बताने की आपको कोशिश की है. अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट करें. और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्रिकेट बेल्स क्या होती हैं. ठीक है जी, बेल्स विकेट्स के ऊपर पड़ी होती हैं, उनके मेजरमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो तब तक हमारे साथ रहिएगा. थैंक यू.